बिल्कुल, और इसी वजह से महेंद्रनाथ पांडे मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। अब अरविंद सावंत शिवसेना के ये एलाय है, ये बीजेपी का सहयोगी है। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और एनसीपी और कांग्रेस की हालत खराब कर दी। लेकिन अगर अरविंद सावंत की हम बात करें अनुराग जी, तो मिलिंद देवड़ा को इन्होंने हराया और बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट रहा वहां पर, और शिवसेना की तरफ से एक बड़ा चेहरा अरविंद सावंत। इस समय जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो पिछले 5 साल पहले या 4 साल पहले थी कि वो कुछ हद तक खुद अकेले खड़े होना चाहते थे, अकेले जो है हर जगह अपना एक रखना चाहते थे, लेकिन फिर अब स्ट्रैटेजी जो उनकी हो गई है कि पूरे गठबंधन के साथ चलेंगे। तो शिवसेना भले ही उनके कितने भी विरोध रहे हो, पिछले दिनों ये दिखा दिया गया जनता के सामने, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपना जब पर्चा दाखिल करने गए तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी भी उनके साथ आए। तो अब ये जो जनता को मैसेज दिया जा रहा है, और ये आपस में भी एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं कि अब हम गठबंधन के एक सहयोगी के तौर पर चलेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमें बीजेपी को कोई भी किसी भी पार्टी की आवश्यकता नहीं, अगर वो सरकार बनाना चाहे तो अपने दम पे बना सकती थी, लेकिन जिस तरह से अपने सहयोगियों को लेके चल रहे हैं, उस तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक एनडीए एक बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और उसके भी लोग हमारे साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने देवड़ा जी को हराया, देवड़ा परिवार बहुत ही शक्तिशाली वहाँ की राजनीति, बड़ा पुरानी उनकी राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे, उनको 1 लाख वोटों से हराया, वैसे ही बढ़ जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर अभी 22 मंत्री हैं जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जिसमें हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल ये सहयोगी है बीजेपी की, शिवसेना से अरविंद सावंत ये भी सहयोगी है बीजेपी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद जो क्रम रहा उसमें राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, और अभी देखिए गिरिराज सिंह बेगूसराय जैसी सीट से, बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार तनवीर हसन को हरा करके रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं गिरिराज सिंह। हालांकि कुछ उनके पाकिस्तान चले जाने वाले जो बयान है उस वजह से भी वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बड़े नेता हैं, पैठ वाले नेता हैं गिरिराज सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं रामकृपाल जी। अब गिरिराज सिंह के बयानों से कभी कभी सरकार मुश्किल में आ जाती है, लेकिन अगर इनका मास बेस देखा जाए, इनकी पावर जनता के बीच देखी जाए, तो वो पता चलता है बेगूसराय में जिस तरह की फाइट हुई और जैसे वो जीत कर आए। जिस दिन मोदी जी एनडीए के नेता चुने गए, उन्होंने अपने भाषण में कह दिया था कि कम से कम इस पारी में छपास और दिखास इससे थोड़ा दूर रहिए, तो मुझे लगता है बाकी जैसा सही है कि जो बिल्कुल जमीनी जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, और आप सोच सकती हैं इनकी लोकप्रियता जितने वोटों से जीते हैं, पूरा विपक्ष लग गया था कि इनको किसी भी तरह से, जैसे एक ऐसी सीट बना ली थी कि यहाँ से किसी भी तरह बीजेपी को हराना है, लेकिन जीते हैं। और निश्चित तौर पर कभी कभी थोड़ा सा बदजुबानी कह लीजिए या अतुत्साह में कुछ चीजें निकल जाती हैं, मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने इस बार जो संदेश दिया है वो बहुतों के लिए काम आएगा, और एक अनुशासित आप देखेंगे इस बार अनुशासित मंत्री के रूप में रहेंगे। जी अनुराग जी, नहीं, मुझे ये चीज बताइए, इनको कौन सा मंत्रालय मिलने की संभावना लग रही है? नेहा जी, मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टूडियो में बैठ के ना करें, यह निर्णय अगर मोदी जी को ही देना तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के हम लोग चुनाव की विवेचना करते हैं, ग्राउंड पे बहुत ही डिफरेंट होता है। उस पर हम आएंगे, ये शपथ ग्रहण लगातार जारी है।